हेलो गाइस, फिलहाल मैं आज पहुंचा हूं सोनगढ़। वैसे मैं बारडोली से निकला, करीबन यहां तक मुझे आने में एक घंटा लगा। तो यहां करीबन बारडोली से 60 किलोमीटर के आसपास ये जगह है। ये सामने अगर आप देखोगे तो ये है सोनगढ़ का किला। सोनगढ़ किला के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये फोर्ट बहुत पुराना है और यहाँ फोर्ट पर जाने का रास्ता भी बहुत अच्छा बनाया है। फिलहाल हम जाने वाले हैं, लेकिन आज मैं आपको दूर से ही बता देता हूँ कि इतना बढ़िया सा और इतना ऊंचाई पर हुआ ये सोनगढ़ फोर्ट आप अपने आँखों से देख सकते हैं। फिलहाल हम सोनगढ़ यहाँ से ये रास्ता जाता है गौमुख जाने के लिए। फिलहाल मैं आज जाने वाला हूँ गौमुख। तो गौमुख जाने से पहले हम यहाँ तो सबसे पहले मंदिर का दर्शन करने वाले हैं। तो ये जगह भी आप देख सकते हैं, यहाँ बच्चों के लिए खिलौने के लिए राइड्स भी हैं बच्चों के लिए। और हम चलते हैं इस मंदिर की ओर। भगवान श्री परशुराम जी का मंदिर है। गाइस, हम फिलहाल मंदिर के परिसर में पहुँचे। तो सबसे पहले यहाँ के जो संस्थापक के कार्यकर्ता हैं उन लोगों से हमारी मुलाकात हुई। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। 24/2/2010 में ये मंदिर का खात्मुहूर्त किया था। मंदिर का 28/3/2070 में पूरा किया था। गांव में बड़े लोगों की ये मंदिर बनवाया। मंदिर कितना अच्छा बनाए हैं, चलो देखते हैं अंदर ही। देखो, ये मंदिर का परिसर के बाजू में ही ये पूरा वनीकरण विभाग है। गाइस, से ये है एंट्री गेट वन कवच सोनगढ़। तो चलते हैं अंदर, कैसा बनाया है। देखो, यहाँ पर वन कवच पवित्र उपवन लोकार्पण का पूरा विवरण यहाँ पर दिया गया है, जो आप पढ़ सकते हैं। तो चलेंगे यहाँ, ये उधर पूरा लेआउट भी दिया गया है। गाइस, यहाँ से जाने का रास्ता है। दरवाजा शायद बंद है, लेकिन अभी खोल के जाना चाहिए। नहीं, दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है, बाजू में भी जाने का रास्ता है। इस तरह हम यहाँ से जा सकते हैं। गाइस, इतने सारे स्टेप चढ़ के आ गए, मजा आ गया। देखो भाई, लोग भी यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। गाइस, कितने स्टेप है यहाँ पर, स्टेप तो गिनना पड़ेगा। मैंने भी नहीं गिना, लेकिन ज्यादा ऊंचाई पर है। आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं क्या? अच्छा, ये यहाँ से कितना नज़दीक पड़ता है सोनगढ़ से? पास में ही। अच्छा, एकदम नज़दीक है। अच्छा, आप हर बार आते हो क्या, कभी कभी आते हो? नहीं, कभी कभी आते। अच्छा, बहुत अच्छा बनाया है, इसके बारे में क्या कहोगे? क्या ही कहना, बच्चा तो है। अच्छा, ऐसा है, ठीक है ठीक है। गाइस, अच्छा लगा मुझे भी यहाँ आके। यहाँ का चारों ओर का नज़ारा हम देख सकते हैं। यहाँ से पूरा सोनगढ़ का किला दिखता है, ये पूरी सिटी भी दिखती है। गाइस, कभी भी मौका मिले तो यहाँ आप आ सकते हैं, हाईवे से एकदम नज़दीक है। यहाँ कॉलेज नज़दीक होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट भी यहाँ शायद आते हैं।
एक दो कॉलेज वाले स्टूडेंट को भी मिला, ये भी बोलते हैं यहाँ पर आना अच्छा लगता है। गाइस आप दो तीन जगह से आ सकते हैं, यहाँ से भी आने का रास्ता है, इधर भी दरवाज़ा दिखता है, इधर भी स्टेप है और सामने आप दो रास्ते देख सकते हैं, एक इधर का रास्ता है, एक इधर का भी रास्ता है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी नीचे उतर के ये पूरा वनीकरण किया गया है, वन के तरह तरह के पेड़ पौधे वगैरह यहाँ पर हैं। फिलहाल अगर आप दूर से नज़र करोगे ना तो दूर दूर तक दिखाई देता है, ये सरपा का रास्ता उधर तक दिखाई देता है। ये यहाँ के फूल वगैरह भी आप देख सकते हैं। गाइस चलते हैं हम और आगे। यहाँ तितलियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, उड़ती हुई तितलियाँ। देखो राइट साइड देखो तो पहाड़ों का ढेर लगा हुआ है, पहाड़ दिखते हैं पूरा बड़े बड़े, और ऊंचाई पर जाएंगे तो पता चलेगा कैसे हैं। गौतम बुद्ध विहार, गाइस यहाँ का नज़ारा देखो क्या खूबसूरत जगह है। इधर अगर नज़र करोगे तो इधर लेक भी दिखता है, ये स्कूल है ज्ञान तीर्थ अकेडमी, फिलहाल बच्चे खेल रहे हैं। और सामने पूरा पहाड़ दिखता है, इसको सोनगढ़ फोर्ट बोलते हैं। चलो और आगे देखते हैं क्या है। भाई यहाँ बैठने की बहुत अच्छी सुविधा बनाई गई है, आप भी मौका मिले तो आइए। यहाँ सोनगढ़ के पास हैं, आधा किलोमीटर दूरी पर बनाया हुआ ये वनीकरण गार्डन बोलो या वन विभाग बोलो। ये बहुत अच्छी जगह पर आप आए हुए हो। गाइस सामने जो दिखती है ये कॉलेज हैं सोनगढ़ की, और ये कौन सी कॉलेज है वो तो मुझे मालूम नहीं, यहाँ के स्टूडेंट को भी पूछेंगे। हेलो ये कौन सी कॉलेज है? साइंस कॉलेज। साइंस कॉलेज है, बढ़िया है। गाइस ये साइंस कॉलेज के सामने यहाँ पर एक बड़ा सा गार्डन है, वन विभाग है, तो यहाँ आने का मकसद यही है कि यहाँ आकर आप आराम से थोड़े समय के लिए समय बिता सकते हैं। यहाँ बैठने के लिए बहुत अच्छी सुविधा बनाई गई है, और जिस ऊँचाई पर हम फिलहाल खड़े हैं यहाँ चारों ओर का नज़ारा आप देखेंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा, ऐसा नज़ारा शायद बहुत कम जगह देखने को मिलता है।
लेकिन यहाँ उन कॉलेज वालों को ले तो एक सौभाग्य की बात है कि इतने नज़दीक पर इतनी अच्छी जगह मिलना एक बहुत बड़ा मौका है। तो आप इस मौके का फायदा अच्छा उठा रहे हैं ना, अच्छा है ना। गाइस इधर भी बहुत सारे स्टूडेंट खड़े हैं। गैस ये तरह तरह के वनस्पति का उपयोग यहाँ पर किया गया है। यहाँ आप इन अलग अलग पेड़ को देख सकते हैं, ये छोटे छोटे प्लांट भी हैं और बड़े प्लांट भी हैं। वैसे औषधि वन भी कहा जाएगा क्योंकि औषधि वाले यहाँ पेड़ देखने को मिल रहे हैं। इन पेड़ों को भी देखिए गाइस, ये पूरा वन इन्हीं पेड़ों के साथ बनाए गए हैं, पूरे नए प्लांट डाले गए हैं। गाइस इस तरह का पूरा वन पेड़ों से भरा पड़ा है, अनेक वनस्पतियों वाले पेड़। गाइस ये पूरा वन देखने के बाद हम यहाँ से अभी निकलते हैं, ये है आखिरी विदाई का गेट। देखो गेट में भी यहाँ वन्य प्राणियों को दिखाने की कोशिश की गई है। चलो भाई बाय बाय। वन कवच, ये पूरा वन हम घूमने के बाद यहाँ पर बैठे, ये कुटिया है, कुटिया के नीचे बैठने का थोड़ा आराम मिला। यहाँ कई लोग बैठे हुए हैं आराम से, तो फिलहाल यहाँ ये बैसरे मिला। हेलो नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते, बढ़िया। देखो भाई ये देखा तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ सोनगढ़ के आसपास क्या क्या घूमने जैसा है? सोनगढ़ में एक किला है जी, नजीक उकाई डैम छे। अच्छा उकाई डैम भी है। तो ये जो आप मिनी गोवा बोल रहे हो ना, वो यहाँ से कितना दूर है? 5-6 किलोमीटर होगा। 5-6 किलोमीटर ही है। और दोसवाड़ा? दोसवाड़ा मतलब कि इसके आसपास ही है। तो फिलहाल हमें गौमुख जाना है, तो कहाँ से जाना पड़ेगा? ये कॉलेज साइड से जाना पड़ेगा। अच्छा, रेलवे स्टेशन आएगा वहाँ से निकल जाएंगे। बराबर। गाइस मैं रानी आंबा फाटक के पास खड़ा हूँ, यहाँ फिलहाल ट्रेन आ रही है। अभी गाइस ये फाटक खुलेगा तो लोगों की चहल पहल रहेगी जाने की आने की।